नमस्कार अर्गस न्यूज स्वतंत्र उपस्थापना को स्वागत करछि मु कमलाकांत। सारा ओडिसा पई खुशी रो खबर कारण देशर टॉपर होइछंती ओडिया झियो अदिति परिडा। केवल ढेंकानाल नुहे ओडिसा नुहे सारा देश पई से गर्वर विषय पलटिछंती एवं टॉपर होइछंती अदिति परिडा जो सीडीएस एग्जाम रहिछि सेथिरे टॉपर होइछंती तो ताकू नै पूरा ओडिसावासी बहुत खुशी रहिछंती। तबे अधिक समय आमे नष्ट करबा नै कारण समस्त इच्छा करथिबे से जे टॉपर होइछंती अदिति तांको ठारु किछि कथा सुनिबा पई तो मु प्रथमे स्वागत करबी अदिति को अर्गस न्यूज को स्वागत करबी एवं प्रथमे शुभेच्छा जणाइबी एते बड़ सफलता एते कम एज रे एते बड़ सफलता अदिति आपनकु बहुत बहुत शुभेच्छा एवं अर्गस न्यूज को स्वागत करबी। मु आपनक ठु प्रथमे प्रतिक्रिया नेबा पई चाहिबी जेतेबेले आपन सुनिले मु आपनकर पूर्व प्रतिक्रिया मध्ये सुनथिले जेतेबेले आपन कहउथिले जे आपन आशा रखि नथिले आपन आशा रखिथिले बड़ सफलता मिलिबो तबे टॉपर हेबे ए आशा रखि नथिले तबे वर्तमान सीधा जीवा अदितिंक पाखुकु। अदिति आपनक प्रथम रिएक्शन नेबा पई चाहिबी। एग्जाम खत्म करके एक जब रिजल्ट आया तो फिर जैसे मैंने पहले कहा था कि अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है और जान के बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मैंने उड़ीसा को एक स्टेज एक रिप्रेजेंटेशन दिया है, क्योंकि जितना मैं जानती हूँ उड़ीसा में काफी लड़कियां काफी लोग हैं जो जिनमें कूट कूट कर टैलेंट भरा है। तो ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई कि ये रिप्रेजेंटेशन के पार्ट और भी लोग होंगे जो उड़ीसा का नाम रोशन करेंगे और अभी भी मुझे ये रिजल्ट डाइजेस्ट हुआ नहीं है। अभी भी मैं काफी अभी भी आराम से शौक से ही गुजर रही हूँ, लेकिन जान के बहुत खुशी हुई कि उड़ीसा के साथ उड़ीसा का नाम रोशन कर पाई हूँ मैं किसी स्टेज पे। अदिति सी डी एस एग्जाम बहुत लोगों के लिए नई बात है तो पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो जो इसके लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं उड़ीसा से तो उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि जो सी डी एस एग्जाम है उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें? रिटन एग्जाम के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है कि एसएसबी की प्रिपरेशन भी इक्वली हो, क्योंकि दोनों का फाइनल रिजल्ट में इक्वल वेटेज होता है। रिटन एग्जाम की बात आए तो जितना मैं कहूंगी उतना है कि अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर ना लीजिए, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करते रहिए डिफरेंट सब्जेक्ट से। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि करंट अफेयर्स के साथ आप काफी हर दिन प्रैक्टिस करें तो आपको जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स की काफी ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। एंड उसके अलावा अगर आप कोई भी पुराने पेपर सॉल्व करेंगे और हर दिन अगर आप टच में रहेंगे तो रिटन एग्जाम क्लियर करना इजी हो जाएगा। जब बात आती है एसएसबी की तो एसएसबी के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों से बात करें जो एसएसबी में जा चुके हैं, प्रोसेस से थोड़ा फेमिलियराइज हो, और जो द की इज कि आप पूरे टाइम कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दें, क्योंकि आपकी अगर ये ड्रीम है कि आप सीडीएस क्रैक करें और आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करें तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इस ड्रीम के लिए कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालते रहें। तो फिर मेरा इसके लिए यही एक टिप रहेगा कि जो भी करें उसमें जितना एफर्ट डाल सकते हैं डालें, क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट आप ही के फेवर में आने से आप ही को हेल्प करेगा, तो आप कंसिस्टेंटली एफर्ट डालिए। अदिति जैसा कि मैं देख रहा था आपके फैमिली मेंबर में बहुत लोग सेना से जुड़े हुए हैं तो जब अभी जब सब डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते थे तो आप आपके मन में ये कब ख्याल आया कि मुझे सीडीएस में जाना है, सेना से रिलेटेड कुछ भी मुझे उसी में ज्वाइन करना है, ऐसा मन में कब आया? मेरे मन में तो ये ख्याल बचपन से ही आ रखा था। 8th स्टैंडर्ड से ही मेरे को मेरा ये ड्रीम था कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूँ, इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करूँ, और उसके तरफ जाने के लिए मैंने तब से ही सारे डिसीजंस लेना स्टार्ट किया था। तो स्कूल से लेकर कॉलेज तक का डिसीजन मेरा इसी डायरेक्शन में रहा है कि मैं सीडीएस जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट कर पाऊँ एंड एसएसबी देकर इंडियन आर्मी का एक पार्ट बन पाऊँ। जो अभी रिजल्ट आया उसमें 67 जो महिला हैं उसमें एग्जाम में उनको सफलता मिली है तो आप कैसे देख रहे हैं? तो महिला भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में अपीयर कर रही हैं और आप उन लोगों के लिए भी एक बेंचमार्क सेट कर रहे थे अभी जो सीडीएस एग्जाम है वो उसको उसमें भी दिलचस्पी रखना चाहिए अभी के जो यंगस्टर हैं।
जी, जैसे हर एग्जाम होता है, जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग यूपीएससी पेपर्स देते हैं या फिर JEE देते हैं, उसी तरीके से आई थिंक CDS को भी उतना इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि इंडियन आर्म फोर्सेस जो है हमारी, उसको भी ज्यादा से ज्यादा यूथ की जरूरत है, जो काफी पैशनेट यूथ है आर्म फोर्सेस के बारे में. एंड इसीलिए मुझे देख के तो अच्छा लग ही रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें एग्जाम लिख रहे हैं, ज्यादा लड़कियां एग्जाम लिख रही हैं और क्लियर भी कर रही हैं. जितना मैं लोगों से मिली थी वो भी काफी टैलेंटेड, काफी वेल राउंडेड, काफी ज्यादा हम्बल इंडिविजुअल्स रहे हैं. एंड इन माय ओपिनियन जितने से ज्यादा लड़कियां अगर इस एग्जाम की तरफ प्रेपरेशन करती रहेंगी उतना ही अच्छा रहेगा, और ये नंबर्स इंक्रीज ही होते रहने चाहिए, क्योंकि इंडियन आर्म फोर्सेस को पैशनेट यूथ की काफी जरूरत है, और हमारा ये फर्ज भी बनता है कि अगर हम इस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं तो हम ये लीप ऑफ फेथ लें. अदिति, जो कमिंग 49 वीक्स है, जहाँ आप चेन्नई में ट्रेनिंग लेगी, तो कब तक आप चेन्नई पहुँचेंगी और तब तक आपके मन में कितना कितना उत्साह है कि आप चेन्नई में जाएंगी, ट्रेनिंग में हिस्सा लेगी और फिर आपका सपना पूरा हो जाएगा? जी, मैं काफी एक्साइटेड हूँ 49 वीक्स के लिए. नर्वस भी हूँ ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे पता है कि ये 49 वीक्स मुझे बेटर इंडिविजुअल जो इंडियन आर्मी के लिए सूटेबल है उसमें टर्न करेगा, तो मैं अपने सीनियर्स के साथ और अपने कोर्समेट्स के साथ ट्रेन करने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक लाइफस्टाइल है जो सबको नहीं मिलती है. एंड मैं काफी ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये चांस मिलेगा कि मैं इस एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करूँ एंड इस एस्टीम्ड एकेडमी के थ्रू ट्रेनिंग लूँ, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेनर्स वगैरह मेरे मुझे इंडिविजुअली ट्रेन करने के लिए रहेंगे, मुझे इंडिविजुअली एज अ बेटर पर्सन बनाने के लिए रहेंगे, एंड बहुत ज्यादा टफन अप करेंगे मेंटली, इमोशनली, फिजिकली. तो फिर मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, काफी ज्यादा खुश हूँ इस बारे में कि 49 वीक्स की ट्रेनिंग के बाद मैं एक बेटर इंडिविजुअल बनूंगी जो इंडियन आर्मी को बेटर सर्व कर पाऊंगी. अदिति, जैसा कि आप पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि पहले उड़ीसा के पहले आप हैं जिनको इतना बड़ा सफलता मिला है, तो कि कैसे देख रहे थे कि उड़ीसा के जो उड़ीसा के जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, बहुत सारे फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन CDS में पहली बार उड़ीसा को इतना बड़ा सफलता मिला है, तो कैसे देख रहे हैं कि आगे जाकर ये जो CDS एग्जाम है, जो आर्मी आर्मी के लिए जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उनको एक नई दिशा मिलेगी आपकी इस सफलता से? जी, जब मुझे पता चला था कि मैं उड़ीसा की पहली लड़की हूँ जिसने मेरिट लिस्ट टॉप किया है, तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ था. और मैं जानती हूँ कि उड़ीसा में काफी लड़कियां हैं जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, जो जिनमें इतना ज्यादा पोटेंशियल भरा है कि वो ये मेरिट लिस्ट तो क्या है, काफी मेरिट लिस्ट टॉप कर सकती हैं. तो ज्यादा से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि वो उन्हें ये चांस मिले और उन्हें ये इंफॉर्मेशन मिले कि ऐसा एक एग्जाम एग्जिस्ट करता है जिसमें प्रेपरेशन के साथ वो काफी अच्छा कर सकती हैं. और मुझे आशा है कि इस न्यूज के बाद ज्यादा से ज्यादा लड़कियां इस एग्जामिनेशन में हिस्सा लें और इस एग्जामिनेशन को दें, एंड ज्यादा से ज्यादा लड़कियां मेरिट लिस्ट में आती रहें और हमारे इंडियन आर्मी में उड़ीसा की काफी लड़कियां आए, ताकि हमारी इंडियन आर्मी एक बहुत ही अभी से भी बेटर कंबाइंड फोर्स बने. अदिति, जैसा कि आप बोल रहे थे कि आप टॉपर हैं, तो जो जो लोग आपको सुन रहे हैं वो आपको जानना चाहेंगे कि आपका टाइम टेबल कैसा था? जो टॉपर है वो कुछ खास तैयारी कर रहे थे, आपका टाइम टेबल मतलब जैसे ही नॉर्मल ही आप पढ़ाई करते थे उसी टाइप के पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन या कुछ खास कर रहे थे CDS एग्जाम के लिए? सब लोग जानना चाहेंगे कि आपका पूरा टाइम टेबल कैसा था, पढ़ाई के साथ और भी चीज़ें हैं उसके लिए कैसे टाइम दे रहे थे, और आपका टाइम टेबल जो लोग आपको फॉलो करेंगे आगे जाकर, जैसे कि आप टॉपर हुए हैं तो आपको फॉलो करेंगे, तो वो लोग जानना चाहेंगे कि आपका टाइम टेबल कैसा रहा था, आप कैसे प्रिपेयर कर रही थी और पढ़ाई के साथ साथ और भी चीज़ें हैं उसको कैसे टाइम देती थी?
मेरे टाइम टेबल की बात की जाए तो रिटन एग्जाम के लिए तो मैं सिर्फ कोशिश करती थी कि कॉलेज के साथ साथ दिन में हर दिन थोड़ा टाइम दे दूँ पढ़ाई के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर आप ज्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे तो इन्फॉर्मेशन खत्म होगी नहीं. तो मेरा आइडिया था कि मैं सिर्फ करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज पे फोकस करूं और उसके साथ साथ सिर्फ थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन हर दिन लेती जाऊं ताकि बैलेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन मेंटेन हो. एंड मेन आइडिया था कि हर दिन बस टच में रहूं मैं अपने मटेरियल से. एसएसबी के लिए मैंने 1 महीना पहले प्रेपरेशन स्टार्ट की थी एसएसबी से, और इसके लिए मेरा एक फिजिकल रूटीन था. मैं एक्सरसाइज करने, रनिंग करने, उसके लिए सुबह जाती थी, शाम को भी एक्सरसाइज करती थी. और उसके अलावा साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह जो ऑनलाइन मिल जाते हैं उसको बैठ के मैं टाइम देती थी, ताकि और जो टाइम एसएसबी के दौरान मिलता है से उसी टाइम में अटेम्प्ट करने की कोशिश करती थी, ताकि मुझे उन सारे टेस्ट की आदत हो जाए, ताकि मुझे पता चले कि मुझे क्या करना चाहिए. और उन टेस्ट के बाद मैं उन्हें रिव्यू भी करती थी, ताकि मैं हर टेस्ट के साथ बेटर हो पाती और इससे मुझे एसएसबी के टाइम पे ज्यादा दिक्कत ना हो. आपसे लास्ट तो रिएक्शन लेना इसलिए चाहूँगा मैंने कि पहले तो आप पढ़ाई के बारे में बोले, लेकिन जैसा कि मैं पढ़ रहा था कि आप भारतनाट्यम में और ओडिसी और वॉलीबॉल में भी आपका रुचि है, तो उसके बारे में आपका लास्ट रिएक्शन लेना चाहूँगा। मेरा भरतनाट्यम और ओडिसी में मेरी रुचि बचपन से रही है. मैंने ओडिसी तब केलुचरण मोहपात्रा के ऑर्गेनाइजेशन सृजन के अंदर शुरू की थी, और उसी टाइम पे क्योंकि मैं इतनी छोटी थी, वो मुझे ओडिसी के जो उसका ग्रेसफुल मैनर है, जो डिसिप्लिन है, उसने काफी कुछ सिखाया है. और इवेंचुअली मैंने जाके भरतनाट्यम भी ज्वाइन की, स्टार्ट किया था मैंने पिकअप करना. और वॉलीबॉल मैंने एंड ऑफ स्कूल और कॉलेज में किया. और आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो किसी को भी सीडीएस ज्वाइन करना है कि वो थोड़ा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखे, क्योंकि ये सारे इवेंचुअली आपको एक बेटर पर्सन बनाते हैं, आपको एक टीम प्लेयर भी बनाते हैं, और आपकी जो मेंटल डेडिकेशन, जो स्टैमिना है, उसे भी बिल्ड करते हैं. तो मैं बस ये कहना चाहूंगी कि इन्होंने, ये सारे फील्ड्स ने मुझे एक बेटर पर्सन बनाया है, और मैं काफी ग्रेटफुल हूँ कि मैंने ये सारे मुझे अदिति सारी आपण जमती अपॉर्चुनिटी कहुथिले मिली है. जे केवल पाठ नुहे, ता सहित जो अन्य रहिछि खेल रहिछि डांस रहिछि ताकू मध्य सेतिकी गुरुत्व देले आपणकू मध्य सफलता मिलिबो। तो एथिले आम सहित अदिति परिडा जे कि सीडीएस टॉपर होइछंती तांकू बहुत बहुत धन्यवाद अर्गस न्यूज सहित जोड़ी होइथिबारु। तेबे वर्तमान आमर अर्गस न्यूज जो स्वतंत्र आलोचना आम करुथिले अदिति थिले जे कि टॉपर होइछंती सीडीएस रे। तेबे वर्तमान समय होइछि अर्गस न्यूज रे, नमस्कार।